अगर आपको याद हो, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कहते थे कृत्रिम बारिश कराएंगे। हम उनसे जानना चाहते हैं वो कृत्रिम बारिश कहाँ हो रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक टेक्नोलॉजी का इजाद किया है, टेक्नोलॉजी लाए हैं जो दुनिया के दूसरे हिस्से में है। किसी आईआईटी और बड़े बड़े लोगों से उन्होंने राय मशवरा लिया और कहा कि वो कृत्रिम बारिश करेंगे। हम उससे कहेंगे कृत्रिम बारिश जल्दी कराएं। और कुछ लोग तो मिट्टी से नहा रहे थे, कुछ मेढकों की शादी करा रहे थे। यहां तो नहीं कर रहे थे बीजेपी के लोग कुछ। यहां पर जो भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को फ्री बिजली देने का वादा किया था वो पूरा सरकार करे। और सदन में ये बात उठाई जाएगी कि बिजली माफी के लिए आपने कहा था बिजली माफ करें। ये बिजली माफ नहीं, ये जबरदस्ती उत्तर प्रदेश से महंगा कोयला खरीदवा रहे हैं। ये सख्ती कर रहे हैं कि इतना महंगा कोयला खरीदो। आप भट्टे वालों से पूछो कितना महंगा कोयला खरीद रहे हैं। और जबरदस्ती सरकार विदेशी कोयला खरीदवा रही है किसी किसी को लाभ पहुंचाने के लिए। पिछली बार आप आए थे तो ये कहा था कि वसूली हो रही है, लिस्ट बन रही है कार्यकर्ताओं की, उसमें क्या होगा कुछ? अब उसमें हम कार्यकर्ताओं से कहेंगे जहां जहां वसूली हो रही है, एक हमारे साथी ने बता दिया था यार ये सबके सामने, इसलिए मैं कहूंगा ये जानकारी दें कि जहां जहां पुलिस वसूली कर रही है हमें बताएं। अभी तक कोई लिस्ट आपको दी गई नहीं? पिछली बार हमने कहा सदन में हम रखेंगे उसका इंतजार। और हम तो आपको बता रहे हैं, नोएडा में पुलिस कप्तान थे, उन पे आरोप था पैसे को लेन देन लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, उसकी एसआईटी बनी, जांच हुई, आज तक रिपोर्ट नहीं आई। एक आईपीएस ने एक आईपीएस पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा लिया गया। किसी विपक्ष के लोगों ने नहीं आरोप लगाया, किसने आरोप लगाया? एक आईपीएस ने आईपीएस पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लिए गए। वो रिपोर्ट कहाँ है बताइए सरकार? और बहुत सारे लोग हैं, हमारे पत्रकार साथी से कहूंगा बहुवन इनको कान में बता देना पुलिस ने किस चीज से पैसा लिया है। नाम बता दो, नाम क्या इनका बताओ बहुवन, क्या नाम इनका? अजय मिश्रा है। इन्हें अभी कमरे में ले जाओ, बता दो, फिर आपसे सवाल पूछेंगे ना आप।